आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश की आम जनता और सरकार बढ़ती महंगाई से परेशान है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब आटा और मैदा के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। इसी तरह सूजी के एक्सपोर्ट पर भी बैन संभव है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कीमतें काबू में रखना चाहती है, इसलिए ये सारी कवायद होती नजर आ सकती है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। मई में देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.04% और WPI 15.88% पर रही हैं। अप्रैल 2022 में देश से 95,094 टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ है। भारतीय गेहूं के आटे के दाम 350 से 400 डॉलर प्रति टन हैं। उधर सरकार तय लक्ष्य से 57% कम गेहूं खरीद पाई है। अब तक सरकार ने 187 लाख टन गेहूँ की खरीद की है, जबकि लक्ष्य 440 लाख टन गेहूं खरीदने का था। आटे के एक्सपोर्ट पर नजर डालें तो अप्रैल 2022 में देश से 95,094 टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं वित्त वर्ष 2022 में देश से 5.66 लाख टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि 2021 के वित्त वर्ष में देश से 2.78 लाख टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ था, तो वहीं 2020 में 1.99 लाख टन आटे का एक्सपोर्ट हुआ था। आपको बता दें कि सरकार ने जून में समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2021-22 में गेहूं उत्पादन के अनुमान को 5.7% घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है, जो अनुमान पहले 11 करोड़ 13.2 लाख टन का लगाया गया था। अनुमान घटाने का कारण तय समय से पहले गर्मी की शुरुआत होने से गेहूं की फसल उत्पादकता का प्रभावित होना है। गर्मियों में भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2020-21 जुलाई जून में 10.95 करोड़ टन रहा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के कारण बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए भारत इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ टन गेहूँ का निर्यात करना चाहता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।